अयोध्या रेप केस मामले में आरोपी मोहित खान के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस प्रशासन ने आरोपी के बेकरी शॉप पर की बुलडोजर वाली कार्रवाई। अयोध्या में रेप पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज, एसपी नेता और पंचायत चेयरमैन मोहम्मद राशिद पर एफआईआर। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन, एसएचओ और चौकी इंचार्ज सस्पेंड, मुख्य आरोपी एसपी नेता की प्रॉपर्टी की जांच शुरू। अयोध्या रेप केस मामले में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, शहजाद पूनावाला बोले आरोपी एसपी नेता के लिए इंडिया गठबंधन ने मुंह पर लगाया टेप। एक दिन पहले सीएम योगी से मिली थी अयोध्या की रेप पीड़िता की मां, मुख्यमंत्री ने दिया था दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा। लखनऊ छेड़छाड़ मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार, मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में लड़की भगा ले जाने के आरोप में लोगों ने आरोपी के घर में आगजनी की है, इलाके में तनाव के बाद तैनात की गई फोर्स। बरेली में लड़की ले जाने वाले आरोपी के घर आगजनी मामले में बड़ा एक्शन, एसएसपी ने थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। केरल के वायनाड में हुए भयंकर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 338, अब भी कई लोग लापता, तलाश जारी। गुजरात के वलसाड में कल से लगातार हो रही है बारिश, कई इलाकों में भारी जलभराव से बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में रेस्क्यू में जुटी टीम के लिए बारिश बनी बड़ी चुनौती, मंदाकिनी नदी में उफान से बड़ा लैंडस्लाइड का खतरा। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में रेस्क्यू के समय लैंडस्लाइड का सामने आया खौफनाक वीडियो, बेहद जोखिम के बीच लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। शुक्रवार की शाम को जब सोनप्रयाग पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, हादसा होता है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से कुल्लू मनाली हाईवे पूरी तरह तबाह, 2 दिन पहले कुल्लू में फटा था बादल। हिमाचल प्रदेश की शिमला में मुश्किल हालातों के बीच रेस्क्यू में जुटी सेना ने उफनती नदी के ऊपर बनाया पुल, अस्थाई पुल के जरिए लोगों की रेस्क्यू की कोशिश। सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। उत्तराखंड की केदार घाटी में बादल फटने के बाद की सामने आई खौफनाक तस्वीरें, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली कई सड़कें नदी में समाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में ओवरफ्लो हुआ पावर प्लांट डैम, तकनीकी खराबी की वजह से नहीं खोले जा सके डैम के सभी गेट। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से उफान पर नदियां ओवर। अगले 5 दिन अलर्ट, 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, लैंडस्लाइड और बिजली गिरने की जताई गई संभावना। उत्तराखंड में बारिश की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत, 9 लोग घायल, केदारनाथ से 7234 लोगों का रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश से उफान पर झूमी नदी, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद हुई तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलाना इलाके में एनडीआरएफ और टीम राहत बचाव काम में जुटी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बारिश बनी आफत, बिजली सब स्टेशन की टूटी दीवार, बारिश के साथ आया राख का सैलाब। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, जान जोखिम में डालकर डैम पार करने को लोग। पार्वती नदी कई इलाकों पर बढ़ा खतरा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पानी के तेज बहाव में फंसा नशे में धुत आदमी, पैर फिसलने से नदी में गिरा, तैरकर बचाई जान। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कई घरों में घुसा पानी, एनडीआरएफ की टीम ने 35 लोगों का रेस्क्यू किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सुलानी नदी का बढ़ा जलस्तर, 10 से ज्यादा गांव में भरा पानी, भी स्लाइड सुरंग के पास रेलवे ट्रैक पर गिरे पत्थर। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी, नेशनल हाईवे तक आया पानी, अजगर और मगरमच्छ भी पानी में तैरते दिखे, लोगों में दहशत। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिनों से लगातार हो रही बड़ाई मुश्किल, मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी स्कूल में सामने आई लापरवाही, छात्रा से स्कूल की दरी धुलवाने का सामने आया वीडियो, किताबें भी बारिश में भीगी। पीएम मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का मोद, 1000 साल पुरानी है भारत। पंजाब के सीएम भगवंत मान को पेरिस ओलंपिक्स में जाने से मंजूरी, टीम का बढ़ाना चाहते थे उत्साह। बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम से मिलने पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच अहम चर्चा। मोदी सरकार ने दिया 8 हाई स्पीड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का तोहफा, 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से 935 किलोमीटर के हाईवे को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा ईसी। मुंबई पुलिस ने कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज किया केस, एसआरए अधिकारियों ने सरकारी काम में बाधा डालने का दर्ज करवाया केस। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की संदिग्ध मौत, केजरीवाल सरकार ने दिए जांच के आदेश, बीजेपी का आप पर लापरवाही का आरोप, संसद में भी गूंजा मुद्दा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे की सीबीआई जांच के दिया आदेश। गाड़ी ड्राइवर की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस को फटकारा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक और कोचिंग सेंटर में हादसे का शिकार हो चुकी है एक छात्रा। करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसी छात्रा का बरेली में चल रहा है इलाज। 15 अगस्त पर पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों ने जताई खतरे की आशंका। पीएम के करगिल दौरे के दौरान हुई थी जासूसी की कोशिश। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में किया फेरबदल। डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी बीएसएफ पश्चिमी कमान वाईबी खुरानिया को मूल कैडर में भेजा गया। अयोध्या में सरयू नदी में दो नाव में टक्कर, एक नाव पलटी। नाव में सवार 9 में से 8 लोग बचाए गए, एक की तलाश जारी। फेक क्रिप्टो करेंसी मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर की छापेमारी। पेरिस ओलंपिक्स में एक और मेडल के करीब पहुंची निशानेबाज मनु भाकर। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु आज फाइनल में जीती तो होगी मेडल की हैट्रिक। पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी में भारत की बड़ी जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। ओलंपिक्स हॉकी में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के लक्ष्य सेन। रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराया। पदक से सिर्फ एक जीत है दूर। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम। पुंछ की पहाड़ी गई अराष्ट्रवाद को लेकर एक आदमी की हत्या। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा हुआ लड़का। सांप के काटने के बाद लड़के को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। अहमदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते एक अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा। घर की तलाशी में 73 लाख की नकदी और सोने के बिस्किट भी मिले। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आभाण पर हमले के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डोंगरी में जितेंद्र आभाण पर हुआ था हमला। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोचिंग छात्राओं से छेड़खानी करने वालों पर शिकंजा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। यूपी के अमरोहा में कांवड़ यात्रियों के दो गुटों में हुआ विवाद। मारपीट के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया। झारखंड के धनबाद में बारिश की वजह से अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बड़ा जहरीली गैसों का रिसाव। रिहायशी इलाकों के ऊपर गैस की सफेद चादर दिखने से बड़ी मुसीबत। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश। अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई ने की थी बड़ी प्लानिंग। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फरार गुर्गों पर इनाम का ऐलान। राजस्थान के राहुल रावत और भूपेंद्र सिंह पर 50,000 का इनाम। मुंबई के धारावी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अरविंद वैश्य की हत्या। पुलिस गिरफ्त में चार आरोपी। मॉब लिंचिंग का आरोप। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मदरसे के हॉस्टल में छात्र की हत्या। धारदार हथियार से हत्या। वारदात के वक्त बंद थे हॉस्टल के सीसीटीवी। यूपी के अमरोहा में डीजे बजाने पर कांवड़ियों के दो गुटों में मारपीट। कई कांवड़िए घायल। हरियाणा के गुरुग्राम में कांवड़ियों के बीच झगड़े में जमकर तोड़फोड़। जलाभिषेक और डीजे प्रतियोगिता के दौरान हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के सागर में कार और कंटेनर के भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत। एक ही परिवार के थे। हादसे का शिकार हुए 5 लोग। सेना के जवान को बेगूसराय पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद। आरोपी की मणिपुर में थी तैनाती। यूपी के महराजगंज में कथा सुन रहे लोगों पर गिरा पेड़। 6 लोग घायल। हादसे का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 7 लोग नदी में गिरे। 5 को बचाया गया। 2 की तलाश जारी। गाजियाबाद में जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते युवक की अचानक मौत। घटना का वीडियो आया सामने। मौत की वजह की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार में सीएनजी गैस भराते समय धमाके के साथ लगी आग। बाल बाल बचा कार का मालिक। कार जलकर राख। यूपी के बागपत में बदमाशों ने व्यापारी के घर में की लूटपाट। बच्चों को बंधक बनाकर बदमाशों ने अंजाम दी वारदात। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क किनारे मिली छात्रा ने बदमाशों पर लगाया अपहरण का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा। चलती कार के ऊपर अचानक गिरी क्रेन। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बेकाबू ट्रक ने 10 लोगों को रौंदा। अस्पताल में भर्ती घायल लोग। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में महिला की आत्महत्या के पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पुलिस स्टेशन में पिस्तौल खोलने बंद करने की प्रैक्टिस के दौरान चली गोली। 2 सब इंस्पेक्टर जख्मी। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। नकली नोटों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 500 नकली नोट भी बरामद। गुजरात के सूरत में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस गिरफ्त में 10 आरोपी। इंदौर के आईआईटी कैंपस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। आईआईटी कैंपस में नौकरी नहीं मिलने से गुस्से में दी धमकी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बड़ा हादसा। स्कूटर पर गिरी हाईटेंशन तार। हादसे में स्कूटर सवार दंपति की मौत। यूपी के अलीगढ़ में जल संकट। पलायन को मजबूर लोग। 60 घरों के बाहर मकान बिकाऊ के लगे पोस्टर।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में लोगों ने समस्या का खुद निकाला समाधान, पहाड़ काटकर बनाया रास्ता, सड़क ना होने से थे परेशान। जम्मू के उधमपुर जिले में एक शादी समारोह में खाना खाने से 2 बच्चों की मौत, कई बच्चों की हालत गंभीर। गुजरात के चांदीपुरा वायरस में 4 और संदिग्ध मामले सामने आए, जांच के लिए भेजे गए सैंपल, अब तक 19 सैंपल पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के सीहोर में अजीबोगरीब मामला आया सामने, शमशान ले जाकर विधि विधान से मोटरसाइकिल का किया अंतिम संस्कार। गाजियाबाद में 2 सांडों की लड़ाई की चपेट में आकर गिरा युवक, पास की दुकान में घुसकर बचाई अपनी जान, घटना का वीडियो वायरल। रांची में स्पेशल सेल के दारोगा की गोली मारकर हत्या, पुलिस को हाईवे किनारे मिला शव। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी की पत्नी के साथ वकील ने की बदसलूकी, सामने आया वीडियो, महिला ने छेड़खानी के लगाए आरोप। सुभांशु शुक्ला को इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मिशन के लिए मेन एस्ट्रोनॉट चुना, अमेरिका के साथ मिलकर मिशन पूरा करेगा इसरो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, कुएं की सफाई के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में गैस रिफिलिंग के समय गाड़ी में लगी आग, हादसे के बाद स्कूल के 150 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। बिहार के वैशाली में इलाज के दौरान महिला की मौत से बढ़ के परिजन, अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथा चौक से रवाना किया गया जत्था। भारतीय तटरक्षक बल ने एआई की मदद से लक्षद्वीप के अगत्ती हवाई अड्डे पर पहली बार नाइट लैंडिंग किया, यात्री अब रात में भी पहुंच पाएंगे लक्षद्वीप। मध्यपूर्व में लड़ाई की आशंका के चलते भारत ने इसराइल में जारी की भारतीयों के लिए एडवाइजरी, सतर्क रहने और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पेरिस ओलंपिक खेलों के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात, मीटिंग में यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। कमला हैरिस बनी डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, नवंबर में ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। रूस ने सेवस्तोपोल में यूक्रेन के हमले की जारी किया तस्वीरें, मॉस्को ने हमले में अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। चिली में भारी बारिश से तबाही कई इलाकों में, बाढ़ जैसे हालात, अब तक 3 लोगों की मौत।